गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। उस चैप्टर में अपने एसिड कंप्लीट हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट भी कंप्लीट हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स चल रहे थे, उसमें NaCl अपन ने पढ़ा और NaOH पढ़ा। और NaCl और NaOH में आई थिंक ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास रहता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है? CaOCl2। तो केमिकल में कैल्शियम फ्लोराइड। अब आप लोगों के दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आ रही होगी, अगर आपको किसी को वैलेंसी के बारे में पता है तो, कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2, है ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी को यूं लगेगा कि जो ऑक्सीजन है वो कैल्शियम के साथ भी बॉन्डेड है और दो अलग अलग क्लोरीन के साथ भी बॉन्डेड। तो क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉन्डिंग जो है, आप अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहती है कि कैल्शियम OCl, OCl आपके पास एक आयन है और एक आपके पास Cl- आयन। OCl अगर आयन में बात करें तो ऑक्सीजन पे आपको पता है -2 चार्ज, तो उस समय Cl पे जो है वो +1 चार्ज रहेगा। क्योंकि जब भी कोई आयन या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय एक तो आपके पास क्या रहता है? कैटायन। और एक आपके पास क्या रहता है? एनायन। वन इज कैटायन एंड वन इज आपके पास क्या रहता है? एनायन। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो ज्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर जिसके पास ज्यादा है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? -। यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर -2 चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन पे अभी भी एक -4 चार्ज है। तो इसके कैल्शियम के साथ, तो इसके कारण से इसकी स्ट्रक्चर होती है CaOCl2। इसको आप क्या कहते हो? ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे देखते हैं कि इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं इसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। मेथड ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लाइम वाटर आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरीन के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ करवाना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with chlorine Cl2 gas, then it forms bleaching powder and H2O. ये method of preparation हो गया bleaching powder। Next कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करें। सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे थे, फॉर्मूला इसका है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको आप कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहती है? CaOCl, है ना। एक OCl जो है वो कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक Cl- इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कैल्शियम के साथ।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हो तो आपको ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है आपके पास। अब बात करें प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये एयर गैप ऑफ सॉलिड होता है, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का मीनिंग क्या है, कल मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, उनकी अरेंजमेंट जो है वो एकदम सेम रहती है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, तो उसको आप क्या कहते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये होते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का मीनिंग क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल या थ्रू आउट द सॉलिड सेम नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, तो उसको आप कहते हो एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी कंटेंट स्मॉल होती है, पंजेंट स्मेल का मीनिंग क्या रहता है कि इसकी जो स्मेल है वो काफी तीखी होती है, वो किसकी प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की प्रेजेंस के कारण इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा पंजेंट होती है। नेक्स्ट आता है थर्ड, रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो इसकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की CaOCl2 की रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। CaOCl2 की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 गैस। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड लाइक H2SO4 HCl, तो रिएक्शन करवाते हो एसिड के साथ CaOCl2 की, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको मिलेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज है किसकी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, जिसको आप क्या कहते हो, ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। इसका जो कॉमन फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है, इसके कैसे मेथड ऑफ फॉर्मेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज, एमोर्फस सॉलिड होता है, एमोर्फस क्या होगा कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की इरेग्युलर ज्योमेट्री होती है उसको आप कहते हो एमोर्फस सॉलिड। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल का मीनिंग क्या हो गया आपके पास कि इसकी स्मेल काफी तीखी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 गैस, और अगर आप एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस Cl2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो अपने को मेन बाई प्रोडक्ट भी याद रखने हैं इसमें साफ तौर पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी आपके पास कि एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड का मीनिंग क्या होता है कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर ज्योमेट्री रहती है, यानी कि Na+Cl- एक वेल 3D मैनर में अरेंज होते हैं। एमोर्फस सॉलिड का मीनिंग क्या हो गया कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो काफी इरेगुलर होती है, यानी कि जो आयंस हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेल अरेंज नहीं होते, इनको अपन एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है।
आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूजेस पे, इनके क्या क्या यूज है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या यूज है। सबसे पहला यूज आता है कि ये सब्सटेंस को डीकलराइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। तो इसके कारण से इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है कि कोई भी आपके पास कॉटन है, कॉटन का कपड़ा आता है, क्लोथ आता है, तो उसको डीकलराइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड एक और यूज आ जाता है इसका कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कंप्लीट हुआ, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट हुआ। अगर नेक्स्ट आपके पास आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अगर इसका केमिकल नेम देखें तो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि कैसे इसको बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला मेथड है कि सोडियम कार्बोनेट से आप इसको बना सकते हो Na2CO3 की रिएक्शन आप H2O+ कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दें तो आपको क्या मिलेगा, 2NaHCO3, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर प्लस CO2 गैस के साथ करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट रिएक्शन तो इसकी ये रहती। सेकंड कि कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन NaCl की रिएक्शन NH3+CO2+H2O के साथ करवा दी तो आपको क्या मिलेगा, NH4Cl+NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बाय सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर प्लस CO2 गैस से करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सेकंड क्या है, बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से जब भी आप रिएक्शन करवाते हो NaCl+NH3+CO2+H2O तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। अब ये जो रिएक्शन रहती है ये रिएक्शन किसके लिए है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए। बट ये जो NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट होगा। ये प्रॉपर जो केमिकल रिएक्शन है ये है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे जो NaHCO3 मिलता है ये आपको इंटरमीडिएट होगा और इस NaHCO3 से आगे आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है।
लास्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं तो ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि अब आप में से कोई हैंड रेज करेगा और मेरे को बताएगा कि ये बेसिक नेचर का क्यों होता है। NaHCO3 जो है बेसिक नेचर, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो, उसका आप अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा NaOH, एक मिलेगा H2CO3। NaOH जो है वो है स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 है वो है आपके पास वीक एसिड। तो मैंने आपको बताया है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए और वीक एसिड आ जाए तो सॉल्यूशन या जो कंपाउंड जो है, जो सॉल्ट जो है, उसकी नेचर जो है वो क्या रहेगी, बेसिक। तो NaHCO3 कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। बिकॉज जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको बेस मिलेगा और एसिड मिलेगा। जो बेस मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, जो एसिड मिल रहा है वो आपके पास वीक है, इसके कारण से इसकी नेचर क्या रहेगी, बेसिक रहेगी। नेक्स्ट देखते प्रॉपर्टीज में है, जब आप इसको हीट करोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो हीट करने पर आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा Na2CO3 प्लस क्या मिलेगा H2O प्लस क्या मिलेगा CO2। जब आप इसको हीट करते हो, हीट करने पर आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टी कि जब आप इसकी रिएक्शन NaHPO3 की रिएक्शन H2SO4 से करवाओगे तो जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, अपना हैंड रेज करना इसके लिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट यानी कि सोडियम सल्फेट और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। बात करें इसके यूजेस पे, यूजेस देख लेते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, बेकिंग पाउडर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। और सेकंड यूज इसका ये है कि ये एंटी एसिड और एंटीसेप्टिक के जैसे यूज में लिया जाता है। फर्स्ट आपके पास यूज क्या रहेगा इसका, ये बेकिंग पाउडर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेकंड यूज क्या रहेगा, एज एंटीसेप्टिक एंड एंटासिड, एंटासिड और एंटीसेप्टिक के जैसे इसको यूज करते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो आपके पास रहता है NaCO3, ओके। और बेकिंग पाउडर आपके पास क्या रहता है कि NaHCO3 प्लस कोई एसिड प्लस आपके पास जो भी सॉल्यूशन जिसमें आप क्या कर रहे हो उसको एक्टिवेट कर रहे हो। तो बेकिंग सोडा इज द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड NaCl, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है दोनों के बीच। अब आपके इस चैप्टर में रह जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, उसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। और साथ में रह जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो अपन कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से।